रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। अभी मैं इंशाल्लाह बिजली यूनिवर्सिटी की पोस्ट सेलेक्शन ओपन होने वाली है, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो फाइनल प्रोजेक्ट और अटर्नशिप रिपोर्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये कन्फ्यूजन है कि हम अटर्नशिप रिपोर्ट सेलेक्ट करें या फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। तो इसके लिए मैं कन्फ्यूजन आपको इंशाल्लाह दूर कर दूंगा कि कौन से स्टूडेंट जो अटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर क्राइटेरिया, और कौन से स्टूडेंट फाइनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर हम फर्दर क्या क्या काम करेंगे और फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे फर्दर क्या क्या काम होंगे, वो सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आपने लाइक भी करना है, उसके साथ साथ आपने बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कौन से स्टूडेंट हैं जो इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन से जो फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो जिनके पास जॉब, रेगुलर स्टूडेंट मीन्स होते हैं वो जॉब नहीं कर रहे, वो सब आप इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑन जॉब स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस में बताया हुआ है या वो जॉब्स कर रहे हैं तो वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है? अभी क्राइटेरिया है आपका जो भी, अगर 2 ईयर की डिग्री है या 4 ईयर की डिग्री है उसके मुताबिक आपका CGPA, उन्होंने मिनिमम CGPA आपको बताया हुआ होगा, मोस्टली 2.0 ही आपका होता है। उसके बाद जो आपने क्रेडिट आवर्स होते हैं उसकी भी विर्चुअल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, आपके अगर 2 ईयर प्रोग्राम है और 4 ईयर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट है तो आप अपने LMS में जाके ये भी आप चेक कर सकते हैं। और प्रोग्राम आपका जो भी होगा उसके साथ साथ आपने अगर तो नॉन जॉब स्टूडेंट इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इन केस अगर आप ऑन जॉब हैं और आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपने एक तो अपनी कंपनी से लीव जो है ना सर्टिफिकेट आपने बनवा के सबमिट करवाना होता है कि जी मैंने 6 वीक की लीव ली है और इस ड्यूरेशन के अंदर मैं इंटर्नशिप कर सकता हूं, तो वो ऑन जॉब स्टूडेंट्स भी फिर इंटर्नशिप कर सकते हैं। और इनकेस अगर जिनके पास जॉब्स नहीं है अगर वो करना चाहते हैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट, तो फिर उन्होंने जी अपना JCL जॉब कंफर्मेशन लेटर देना होता है कि मुझे अभी जॉब मिल गई है, मैं फिर फाइनल प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। JCL होता है जॉब कंफर्मेशन लेटर, क्योंकि जिनके पास जॉब्स होती हैं अगर फाइनल प्रोजेक्ट लेना होता है तो वो JCL सबमिट करवाते हैं, मतलब जॉब कंफर्मेशन लेटर कंपनी अपने लेटर हेड के ऊपर मैंशन करती है कि बंदा हमारे पास जॉब कर रहा है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो जॉब नहीं कर रहा, इंटर्नशिप की तरफ जाना नहीं चाह रहा और उसने फाइनल प्रोजेक्ट लेना है तो फिर एक JCL बनवाएगा किसी कंपनी से, वो फिर सबमिट करेगा, इनकेस फिर वो आप फाइनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो अटर्नशिप रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इजी होती है जब आपका फाइनल डिफेंड होता है, जिसको हम फाइनल वाइवा कहते हैं, वहाँ पे नाम थोड़ा सा इसको इजीली डिफेंड कर लेते हैं। अगर इसके अल्टरनेटिव हम देखते हैं फाइनल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं, हमने 2 वेरिएबल्स को हमने वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हमने मफरूजा बनाया, हाइपोथेसिस बनाया होता है, तो थोड़ा सा आपके लिए मतलब लेट्स बोथ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी वैल्यूज क्या है, मूव ऑफ सिग्निफिकेंस पी वैल्यू क्या है, तो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गए तो आप वहाँ पे प्रॉपरली चीज़ों को बता नहीं सकते। इसके लिए फिर आपको फर्दर इस पर थोड़ी सी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोनों की अपने कोर्स सेलेक्शन जब आपकी ओपन होगी तो कोर्स सेलेक्शन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 12 अक्टूबर से शायद ये ओपन कर देंगे, क्योंकि 11 तक जो समर सेमेस्टर चल रहा है उसके अनाउंसमेंट उन्होंने कहा हुआ है कि रिजल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी कोर्स सेलेक्शन ओपन होती है तो आप अपने जो भी कोर्स रेलिवेंट वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी कोर्स सेलेक्शन ओपन हो जाती है उसके बाद आपके प्रॉपर LMS के ऊपर जो सब्जेक्ट शो होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपने आपका जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर जाके आपने क्लिक करना है और वहाँ पर आपको आपका एक सुपरवाइजर अलाट हो जाता है। जब आपका सुपरवाइजर आपको अलाट हो जाता है तो वहाँ पे फिर आपने उनसे एक अप्रूवल लेनी होती है। तो जो बेसिकली आपका ड्यूरेशन है जिस कंपनी में आपने, सबसे पहले तो आपने एक कंपनी सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम 6 से 8 वीक की इंटर्नशिप कर सकते हैं। और जब आप कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी अप्रूवल आप अपने जो भी सुपरवाइजर अलाट होते हैं उनको आप बताते हैं, वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपने प्रॉपरली फिल करना होता है, कंपनी का नाम, कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनी का URL है, ये कंपनी लॉबस्टॉक में है, यानी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो अपने प्रॉपर फिल करके सुपरवाइजर को देनी होती है, वो इसको वेरीफाई करते हैं। अगर आपको गो अहेड दे देते हैं तो फर्दर आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको नहीं कहते तो आप फिर दूसरी कंपनी की डिटेल्स उनको प्रोवाइड करेंगे। और जो फाइनल प्रोजेक्ट वाले होते हैं तो वो फाइनल प्रोजेक्ट टॉपिक्स की लिस्ट या तो आपका सुपरवाइजर आपको प्रोवाइड करता है या आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर LMS के उसी सब्जेक्ट के वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलती है, उस लिस्ट में से आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है।
फोटो पर अपने मिनिस्टर को बताना होता है, फिर उसका साथ आपका JCL GAO कन्फर्मेशन लेटर, वो भी आपने LMS पर अपलोड भी करना होता है और अपने सुपरवाइजर को सेंड भी बाई ईमेल भी सेंड करना होता है। आ जाता है अप्रूवल, जब आप सुपरवाइजर से अप्रूवल ले लेते हैं, अप्रूवल लेने के बाद फिर आपको सुपरवाइजर कहेगा आपका 6 to 8 week है तो अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखनी है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको LMS पे मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी होती है और उसके साथ आप जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो जिस कंपनी से आपने इंटर्नशिप की होती है वहाँ से अपने ICC बनवाना होता है, इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट वो बनाना होता है अपने, और फाइनल प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट जिन्होंने आपका टॉपिक सेलेक्ट किया होता है फिर वो एक प्रपोजल बनाते हैं। प्रपोजल आपका बेसिकली इसमें अपने ओवरव्यू पूरे है, मतलब ये 2 to 3 pages का हो सकता है, उसमें पूरी अपनी डिटेल्स देनी होती हैं जी, ठीक है। वो आपको मैं फर्दर उसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ दोनों का, कैसा फॉर्मेट होता है, पहले इंटर्नशिप रिपोर्ट वाला फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, उसके साथ फिर आपको फाइनल प्रोजेक्ट वाला आपको जो मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। अच्छा, जब आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं तो आपने फिर इसको फॉर्मेट MS वर्ल्ड के अंदर ही सबमिट करवानी होती है, वो आपका जो प्रपोजल है वो भी इसी फॉर्मेट के अंदर आपने सबमिट करवाना होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास इंटर्नशिप रिपोर्ट है, उसका एक फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी आपकी स्टडी प्रोग्राम डिसिप्लिन से आप हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइटल पेज आएगा, उसके अंदर आपका स्टूडेंट नेम, ID, सेशन वो आ जाएगा, फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट की एक डेडलाइन होगी ना, डेट कि किस डेट तक आपने सबमिट करवानी है वो यहाँ पे आ जाती है, फिर यूनिवर्सिटी का नेम और लोगो आ जाता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बेसिकली एक लेटर होता है कि आपने रिपोर्ट खुद बनाई हुई है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके उसी सब्जेक्ट के डाउनलोड सेक्शन में आपको अवेलेबल हो होता है, वहाँ पे आपने इसको डाउनलोड करके हैंड से आपने इसको फिल करने के बाद इसकी एक स्कैन कॉपी इसके अंदर आपने ऐड करनी होती है, फिर स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो आपको कंपनी ICC देती है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसकी सॉफ्ट कॉपी आपने यहाँ पे इसके साथ अटैच करनी होती है, डेडिकेशन ऑप्शनल है, आप अपने पेरेंट्स को, टीचर को, किसी को भी आप अपने ये डेडिकेट कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट होती है जी आपकी जहाँ से आपने इंटर्नशिप की है तो उस कंपनी के रिगार्डिंग, उनके स्टाफ के रिगार्डिंग, उसके साथ आपका जो सुपरवाइजर है आप किसी को भी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। एग्जेक्टिव समरी, बेसिकली ये समरी होती है जिसके अंदर आपने पूरी रिपोर्ट को समराइज करना होता है, आपने बिल्कुल इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करना होता है ताकि जो रीडर एक दफा इसको पढ़े समरी को तो उसको आइडिया पता चल जाए कि आपने किस टॉपिक पे इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखी है और क्या बात की है ना, सारा सिनेरियो आपने बिल्कुल डिफाइन और समराइज करके यहाँ पे मेंशन कर देना था। टेबल ऑफ कंटेंट आपने फिर ये वाली हेडिंग आ जाती है, फिर ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का ओवरव्यू, फिर उसकी सब हेडिंग्स हैं, उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में हो सकता है, हेड ऑफिस का एड्रेस कहाँ पे है, प्रोडक्ट लाइन कौन कौन सी वहाँ पे है, क्या क्या वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, कंपटीटर कौन कौन से हैं वो आपने मेंशन करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, मतलब आपका हर कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, आपका कौन सा स्ट्रक्चर है वहाँ पे, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, टॉल है, आपका टॉप टू बॉटम है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहाँ पे वर्किंग कर रहा है तो वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कंपनी का एक होता है वो आप यहाँ पे ड्रा करके बनाना होता है, उसके साथ प्रोडक्शन ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंटर्नशिप एक्टिविटी प्लान की सबसे अहम पॉइंट होता है, आप जो इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने वहाँ पे परफॉर्म टास्क परफॉर्म किए होते हैं वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करने होते हैं, उसके साथ साथ पहले आप इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ऑफिस ब्रांच जहाँ पे आप काम कर रहे थे, कितने एम्प्लॉयज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टार्ट डेट कब हुई थी, एंड कब आपने की है, जिस इस डिपार्टमेंट के अंदर आपने इंटर्नशिप की है वो उनके नाम आप मेंशन करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग की है, बेसिकली जो आपने वहाँ पे काम किया है उसको फिर आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, उसकी लिमिट आपने 600 to 800 words कम से कम आपने रखनी होती है, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, ये डिफरेंट हो सकता है, HR के लिए HR फंक्शन आ सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर वाले उनके और हो सकते हैं, मतलब हर स्टडी प्रोग्राम के लिए चेंज होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सप्लाई चेन है तो उन्होंने ऑपरेशंस के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर आपसे वो पूछा गया है, आपने ये चीज़ें जो ऑब्जर्व की होती है बतानी होती हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसी होती है, ये 2-3 points है वो आपने बताने होते हैं, मतलब आपके प्लानिंग फोरकास्टिंग के ऊपर आ जाता है, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी कौन से यूज़ करते हैं, जस्ट इन टाइम आपकी जो लीन मैनुफैक्चरिंग सिस्टम है अगर एग्जिस्ट करती है तो आप मैंशन कर देंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस फैसिलिटी लेआउट क्या होता है उसको आप एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी पॉलिसी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे काम कर रहा है, या DQM है, जो भी वहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो आप एक्सप्लेन कर देते हैं, एग्रीगेटिव प्लानिंग है, मतलब ये सारे पॉइंट्स, सप्लाई चेन आ गया, वेयरहाउसिंग हो गया, आपने वहाँ पे जो चीज़ें ऑब्जर्व की होती हैं वहाँ आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है, तो कहना स्किप आपने नहीं करना यहाँ से कुछ भी। फिर क्रिटिकल एनालिसिस होता है, क्रिटिकल एनालिसिस बेटा एक बेसिकली तनकीद होती है, हम किसी चीज़ की ना अच्छी और बुरी तनकीद करते हैं, अब जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, जो चीज़ बुरी आपने ऑब्जर्व की है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
तो उसके साथ फिर कंक्लूजन है, आपने ओवरऑल बताना है कि आपने इंटर्नशिप इस कंपनी में की थी, ये बेसिकली ये प्रोडक्ट्स बना रहा है ठीक है, या उसकी ये सर्विसेज हैं, उस हवाले से फिर आपने एक छोटा सा ओवरव्यू दे देना दोबारा, जिस तरह समराइज एग्जीक्यूटिव समरी थी, इस तरह कंक्लूजन में आपने सारी चीज़ें देनी है। फिर जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस होता है, इसमें रिकमेंडेशन हैं, वो आप इसी अच्छाई या बुराई अंदर जो आपने बयान की थी कंपनी की, तो उसी हवाले से आपकी रिकमेंडेशन आ जाती हैं। समटाइम दो पॉइंट्स आपके डिफरेंट आ सकते हैं, इसमें पेस्ट एनालिसिस है, वो भी आई थिंक एम कॉम वाले स्टूडेंट्स के आ जाता है, या इस तरह आपके एच आर जो एडमिन वाले हैं उनके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर वालों के लिए, वहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस आ जाता है, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो वो भी एक हेडिंग यहाँ पे ऐड आ जाती है, क्योंकि सप्लाई चेन के अंदर ये चीज़ नहीं है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं होगी। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे वो कहीं से मिल जाती है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एच आर का देख लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस का भी वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखें एनालिसिस ऑफ एचआर फंक्शंस आ गए ना आपके, तो ये सब के लिए चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे आपको दे दिया है, तो इस तरह कुछ के लिए इन्होंने डिफरेंट रखा होता है, तो किसी के अंदर पेस्ट एनालिसिस भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आपने वो भी फिर मेंशन करना होता है, बताना होता है। अब यहाँ पे भी उन्होंने शॉर्ट एनालिसिस ही आपसे पूछा कि आपने वो चीज़ें बता देनी है यहाँ पे, तो वो हर जो आपका डिसिप्लिन है उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को आपने फॉलोअप करना होता है। अब उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है, ये अगर फाइनल प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो फर्स्ट प्रपोजल होगा, प्रपोजल के लिए ये आपने उसी तरह टाइटल पेज बनाना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, चैप्टर वन में आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रोडक्शन में अपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्टडी दोनों के हवाले से आपने बात करनी होती है, फिर बैकग्राउंड आपका क्या है, जो भी बैकग्राउंड है टॉपिक का आपका, अब उस पर थोड़ी सी बात करेंगे ठीक है। अब जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसका रेफरेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो अपने साथ साथ रेफरेंसेस भी लाजमी देने होते हैं, तो साइटेशन भी साथ साथ करनी होती है। फिर ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो आपने यहाँ पे प्रॉपरली वो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करने होते हैं। फिर इसके सिग्निफिकेंस आ जाते हैं नेक्स्ट, वो आप यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर मेथडोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जी आपकी रिसर्च टाइप कौन सी है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, डाटा कलेक्शन सोर्स आपका क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो वो आ जाएगा। फिर कलेक्शन के टूल्स आपके क्या हैं, आप किस तरह इसको करेंगे जी, आप इंटरव्यूज करेंगे, क्वेश्चनियर डिजाइन करेंगे, जो भी आप टूल्स यूज करेंगे। फिर पार्टिसिपेंट्स आपके कौन होंगे ठीक है, फिर उसके बाद आपके फील्ड वर्क में आपने डाटा कलेक्शन करनी कैसे है, किस तरह करेंगे, कौन कौन सा आपकी सपोर्ट करेगा। फिर एनालिसिस आपने करना होता है, डाटा कलेक्शन जो हमने की होती है उसके ऊपर हमने फिर उसको एनालिसिस करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे, SPSS यूज़ करेंगे, एक्सेल करेंगे ठीक है। फिर रेफरेंसेज आपने जो भी यूज़ किए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मोस्टली उसका फॉर्मेट बताया होता है, APA फॉर्मेट जो भी उन्होंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे उसको करना होता है। उसके बाद इसी जब आपका प्रपोजल आप सबमिट करवाते हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट होने के बाद फिर आपका फाइनल प्रोजेक्ट फॉर्मेट आ जाता है ठीक है। वो पूरी डिटेल में यहाँ पे उन्होंने दिया होता है, उसमें भी डेडिकेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, जिस तरह इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर था एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, एग्जेक्टिव समरी की जगह यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाते हैं आपके ठीक है, चैप्टर वन है इसको फिर उन्होंने थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर देते हैं ना, चैप्टर टू आपका लिटरेचर रिव्यू आ जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मेथडोलॉजी आ जाएगी, फिर आपका डाटा एनालिसिस जो आपने डाटा कलेक्शन की होती है उसी पर फिर एनालिसिस करने होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए, आपने रिग्रेशन एनालिसिस हो सकता है, मुख्तलिफ एनालिसिस होते हैं। चैप्टर फाइव के अंदर फिर कंक्लूजन आपने रिकमेंडेशन और लिमिटेशन बतानी होती है। तो बेसिकली ये कंप्लीट मैंने ओवरव्यू दे दिया है, अब अपना माइंडसेट बनाएं कि आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट करनी है तो इस तरह आप इसी ट्रैक को फॉलो करेंगे, अगर आप फाइनल प्रोजेक्ट करते हैं तो इस ट्रैक को फॉलो करेंगे ठीक है। तो अगर आपको फिर कोई भी क्यूरीज हैं, आपको किसी जगह पे समझ नहीं आती तो आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इंटर्नशिप रिपोर्ट और फाइनल प्रोजेक्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप वो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।